पार्टी आजाद हिंदुस्तान के लिए तैयार है। हम आपको रास्ता दिखाएंगे, हम आपको प्रोजेक्ट सेंक्शन करवाने में हम आपकी पूरी मदद करेंगे, क्योंकि खादी विलेज में सबसे ज्यादा हम आपको बहुत ज्यादा दे सकते हैं। वहाँ हमारी चेयरमैन आपको पता ही हीना भट्ट है, वहाँ हम आपको अगर कितना अगर आप 50 लाख का लोन लोगे कम से कम आपको 20 लाख। देखो आज हमने बेसिकली हमारा जो आज का प्रोग्राम था यहाँ पे कुकरनाग कानाशुंसी में हमारा मन की बात का प्रोग्राम था। हमारे साथ मेरी बहन मुनीरा जी और हमारे सीनियर लीडर रशीद साहब और कानाशुंसी के दो जनरल सेक्रेटरीज हमारे ज़रा बिलाल साहब और मुश्ताक शेख साहब और बाकी भी जो वाइस प्रेसिडेंट वगैरह सारी टीम थी और हमारे यूथ के लड़के भी आए हुए थे। मन की बात सुनने के बाद हमने यहाँ पूरी जो कानाशुंसी की टीम है और कुछ हमारे सेक्टर इंचार्जेस हैं हमने उनकी मीटिंग ली और उस मीटिंग के बाद हमने पार्टी के जो प्रोग्राम है उन पर आने वाले प्रोग्राम पर भी चर्चा की। उसके बाद हमारे कुछ नए यहाँ पे चेहरे पार्टी में शामिल हुए जो ज्वाइनिंग हमारा प्रोग्राम हुआ आज बढ़िया प्रोग्राम हुआ। हम उन लोगों को वेलकम करते हैं हम भारतीय जनता पार्टी ने जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और हम आशा करते हैं इंशाल्लाह रहमान इसी तरह भारतीय जनता पार्टी कुकरनाग कानाशुंसी में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगी और हम लोगों की खिदमत करने के लिए यहाँ पे बैठे हैं। लोगों के मसाइल भी हम हल करने के लिए यहाँ भरपूर कोशिश करेंगे। साथ साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ की आवाम को मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ और सबका विकास का जो नारा लगाया था वो ग्राउंड पे पूरी तरह से वो हावी हो चुका है वो नारा। और मैं गुजारिश करता हूँ लोगों से कि आप आ जाएं खुले दिल से भारतीय जनता पार्टी में आ जाएं, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें। यही एक वो पार्टी है जो हम गरीबों की हमदर्द पार्टी है, लोगों के विकास चाहती है, लोगों की डेवलपमेंट चाहती है। तो मैं गुजारिश करता हूँ अपनी तमाम कानाशुंसी के लोगों से कि आप आ जाएं कुकरनाग कानाशुंसी में, गुंडागर्दी और यहाँ की लड़ाई झगड़े की सियासत को ख़त्म करने के लिए आप भारतीय जनता पार्टी का दामन थामें हम ताकि कुकरनाग कानाशुंसी को हम एक मॉडल रियासत जम्मू कश्मीर की जो 90 कानाशुंसी है उनमें से एक मॉडल कानाशुंसी बनाए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे जो हम बूथ हैं यहाँ पे हमने तकरीबन सारे बूथों पे काम शुरू कर दिया है, सारी बूथ की टीमें हमारी बन चुकी हैं। जो हमारी कानाशुंसी की हाल ही में टीम बनी हुई है वो भी बन चुकी है, सारे लोग बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह रहमान आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगी। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमने आज यहाँ पे ये प्रोग्राम भी कहा कि जो हमारा हर घर तिरंगा है, जो हमारा ये देश का तिरंगा है, हम कुकरनाग कानाशुंसी में हर घर में ये तिरंगा लहराया जाएगा, ये तिरंगा बड़े ज़ोर शोर से प्यार से, क्योंकि हमारा ये हमारे देश की आन बार और शान है। इस शान को हम बड़े प्यार से अपने घरों में लहराएंगे, हमारे दिलों में तो ऑलरेडी लहराया हुआ है, हम अपने घरों पे लहराएंगे इस तिरंगे को। आने वाला जो हमारा 13, 14 और 15 तारीख है, जो 9 तारीख से ही स्टार्ट इसका हो जाएगा, लेकिन 13, 14 और 15 तारीख हम कुकरनाग कानाशुंसी के अपने हर एक घर में इस तिरंगे को लहराएंगे। ये तिरंगा क्योंकि ये तिरंगा हमारी आन बान और शान है, क्योंकि कुछ लीडर कुछ ओपोजिशन वाले जिनको अभी भी तकलीफ हो रही है इस तिरंगे से, उनको मैं कहता हूँ अगर आपको इस देश के तिरंगे से तकलीफ हो रही है आप देश छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन हम इस तिरंगे से प्यार करते हैं, हम इस तिरंगे को कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि तिरंगा हमारा हिंदू का भी है, मुस्लिम का भी, सिख का भी, ईसाई का भी है, और ये गरीब का और अमीर का भी है, ये हर किसी का तिरंगा है, हर किसी की आन है, हमारे देश की आन है, बान है और शान है।